हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका, वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो टुडे टॉक अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी सैंपल पेपर फॉर द 2024। ओके, आज के इस वीडियो में हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे 24 सेशन के लिए। यहाँ पे हमारे चैनल्स पे आपको 23 का, 22 का, यहाँ पे 21 का, यहाँ पे ऑल ईयर्स का यहाँ पे आपको सैंपल पेपर्स हमारे चैनल्स पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे 24 में हम यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे होल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सैंपल पेपर्स हमने 100 क्वेश्चंस का बनाया है। इस वीडियो में पूरा आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे, जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में देते हैं उसी तरीके से ये सैंपल पेपर हमने 100 क्वेश्चंस का बनाया है पूरे होल सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें सेल बायो के क्वेश्चंस हैं, जेनेटिक्स के हैं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बायोटेक के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, साथ ही यहाँ पे आपके इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस हैं, आपके यहाँ पे इको सिस्टम्स के भी क्वेश्चन दिए गए हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने बेसिकली बायोस्टैटिक जो है लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके भी क्वेश्चन हमने इस सैंपल पेपर में पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एयू से या अदर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, सो चलिए यहाँ पे वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सिलेट डिफर फ्रॉम ऑल एन अदर प्रोटोजोन्स इन, ओके, ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में यूजिंग फैजला ऑफ फॉर लोकोमोशन, बी में दे रहा है हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फॉर द रिमूविंग एक्सेस वाटर, और सी में दे रहा है कि यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, और यहाँ पे और डी में दे रहा है कि हैविंग टू टाइप ऑफ द न्यूक्ली। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है कि सीलिएटेड जो यहाँ पे प्रोटोजोन्स होते हैं वो कौन सा ऑल अदर अदर जो यहाँ पे सिलेटेड में डिफर करते हैं ऑल अदर प्रोटोजोन्स में। ठीक है, तो वो बेसिकली हैविंग टू टाइप्स के न्यूक्लियाई होते हैं। टू टाइप्स के न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, क्योंकि देखो जो सिलेटेड का जो ग्रुप होता है ना वो प्रोटोजोन्स में डिफरेंट होता है एंड अदर प्रोटोजोन्स में, जैसे कि सेवरल वे में इंक्लूड करता है टू टाइप के न्यूक्लियाई को, जिसमें कि फर्स्ट आपका जो टू टाइप के न्यूक्लियाई में यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो आपका मैक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है एक दूसरा मैक्रो होता है। ठीक है, जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं ये बेसिकली ये क्या होते हैं, स्मॉल एंड डेप्लॉयड होते हैं और ये कैरी करते हैं यहाँ पे सेल को, सेल के जर्म लाइंस को। और यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है, ये लार्ज होते हैं और एम्प्लीप्लॉयड होते हैं और कंट्रोल करते हैं जनरल सेल रेगुलेशंस को। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द टेल बैक्टीरियोफेज, और ऑप्शन दे रहा है मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, बी में दे रहा है नॉन मोटाइल, दी सी ऑप्शन में दे रहा है मोटाइल ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट लीफ, और डी में दे रहा है एक्टिवली मोटाइल इन द वाटर। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनका टेल जो होता है वो किस में आर होगा, वो बेसिकली नॉन मोटाइल में होते हैं। नॉन मोटाइल में क्यों होंगे, क्योंकि देखो इन ये ना हैव कॉमन ऑरिजिन होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं ये कॉडियो वायरलेस फैमिली में ये कंस्टिट्यूट होता है, जो कि इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ना वो टेल के यूनिक टेल फेज में होता है और ये शेयर करता है इसके सीरीज के हाई लेवल के टैक्सोनॉमी को, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे फैसिलिटी के फीचर्स जो होती है यूनिक के रेंज रेयर इन वायरस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये आपका लैमडा हो गया, दूसरा जो होगा आपका एमयू हो गया, एंड ये पीआई फेज में होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है कि द हेरिडिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इकोलाइज, ऑप्शन दे रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बी में दे रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डी सी में दे रहा है डीएनए, और डी में दे रहा है आरएनए। ठीक है, क्वेश्चंस पे दे रहा है कि हेरिडिटी मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरियम ई कोलाई में किस में प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो देखो जो ई कोलाई होता है ना वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो ऑर्गेनिज्म को लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में, गॉल्जी अपर्चर्स में, ये ऑल्सो लैक करते हैं ट्रू न्यूक्लियस को। ये किसको करते हैं,
ट्रू न्यूक्लियस को करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ना, जो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस को करते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड की जेनेटिक्स मटेरियल में विदाउट न्यूक्लियर इन्वॉल्व करते हैं, जो कि हेरिडिटी मटेरियल के डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है कि जीन्स और द पैकेट इन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स बाई, ऑप्शन दे रहा है एसिडिक प्रोटीन, बी में दे रहा है कि एक्टिन, सी में दे रहा है हिस्टोन्स, और डी में दे रहा है बेसिक प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो जीन्स होते हैं उनका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है वो किस में पैक इंटू होगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे पैकेज इंटू होता है वो बेसिक प्रोटीन्स में होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट हो जाए। देखो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन को अगर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इन क्वेश्चन के आंसर ही बताऊँ क्योंकि एक सैंपल पेपर है। अगर आपको पूरा डिटेल्स में जानना है, अभी यहाँ पे 2 डे है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, 29 को पेपर है, तो अभी टाइम है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, मैं सिर्फ आंसर ही बताऊँगी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ ए फाइलम एट द 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है, प्लैटी हेलमेंथी दे रहा है, मोलस्का दे रहा है, पोरीफेरा दे रहा है, नीरेरिया दे रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो ये फाइलम दिए गए, 4 फाइलम्स दिए गए, इन चारों फाइलम्स के 3 एग्जांपल्स को आपको बताना जो कि मैचिंग करे, यहाँ पे मैचिंग इसकी सही हो। तो वो यहाँ पे प्लैटी हेलमेंथी में प्लानेरिया और ये 2 दे रहे हैं, मोलस्का में दे रहा है लोगियो टेरिडो ऑक्टोपस दे रहा है। तो देखो जो यहाँ पे इसमें भी पोरीफेरा में स्पॉन्जिला दे रहा है, यूप्रेटिला पेंटुला दे रहा है, नीरेरिया दे रहा है जिसमें कि वैनिला फाइसेलिया अर्लिया दे, तो ये दोनों तो होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो राइट हो रहा है, मोलस्का में लोगियो भी होता है, टेरिडो भी होता है, ऑक्टोपस भी होता है, तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दे रहा है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ फाइलम्स, यहाँ पे दे रहा है कि फाइलम्स में, एडल्ट फाइलम्स में कौन सा यहाँ पे फाउंड नहीं होता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इस फाइलम में नहीं यहाँ पे फाउंड होता है, तीनों फोरा में रेडियल सिमेट्री नहीं होता है, या हेमिकॉर्डेट्स में नहीं होता है, या सिलेंट्रेटा में नहीं होता है। देखो रेडियल सिमेट्री जो होता है ना वो टीनोफोरा में भी होता है, सिलेंट्रेटा में भी होता है, इकाइनोडर्मेटा में भी होता है, बट यहाँ पे जो एडल्ट फाइलम में यहाँ पे रेडियल सिमेट्री नहीं होता है वो हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, ओके। यहाँ पे दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन किस में इंटरनल होता है, दो यहाँ पे जितने भी हमने फाइलम्स, यहाँ पे फाइलम्स के बेसिक लेक्चर्स बताए थे उसमें हमने बताया था कि किस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और किस में एक्सटर्नल होता है। तो अगर इसका जाना आपको डिटेल्स में देखना है तो उसमें हमने ऑल फाइलम्स की बताया, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस में दे रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन किस में इंटरनल होता है, एस्की हेलमेंथीज में होता है, टीनोफोरा में होता है, या फिर इकाइनोडर्मेटा में होता है, या फिर हेमिकॉर्डेटा में होता है। तो देखो जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है वो बेसिकली एस्की हेलमेंथीज में होता है, ठीक है, ये जो इंटरनल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है इन केस ऑफ पोरीफेरॉन्स इन द स्पंजोसेल्स इज लाइंड विद द फैजिलेटेड विथ फैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, ओके। ऑप्शन दे रहा है ऑस्कुला, कॉर्निसाइट, मेजेनकाइमल सेल्स, और डी में दे रहा ओस्टिया। यहाँ पे दे रहा है कि इन केस ऑफ पोरीफेरॉन्स में स्पंजो सेल्स में कौन सा यहाँ पे जो फैजिलेटेड सेल्ड होगा वो कॉल्ड होता है इसके लाइन में, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, कॉर्निसाइट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है कि दे आर द साइट ऑफ द एरोबिक एनरोबिक रेस्पिरेशंस, बी में दे रहा है सिस्टर्न इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन में दे रहा है कि दे प्रोड्यूस इन द सेलुलर एनर्जी इन द फ्रॉम द ऑफ एटीपी, डी में दे रहा है कि मैट्रिक प्रोड्यूसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की रिकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, जो इनकरेक्ट होगा, देखो इसमें यहाँ पे सिस्टर्न इंक्रीज सर्फेस एरिया में होते हैं तो ये भी राइट है, द प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी होती है एटीपी की भी सही है, मैट्रिक प्रोसेसेस होते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स में ये भी राइट है, बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के साइट पे यहाँ पे एनारोबिक यहाँ पे रेस्पिरेशंस नहीं होता है, तो ये ऑप्शंस बेसिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शंस राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स, ठीक है।
यहाँ पे दे रहा है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा इसका पार्ट नहीं है सेल ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दे रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं है, लाइसोसोम्स नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है, राइबोसोम्स नहीं। तो देखो जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सेल ऑर्गेनल्स में पार्ट नहीं होता वो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स नहीं होता। अब कि यहाँ पे जो हमने लेक्चर सेल बायो का डिस्कस किया उसमें देखिएगा पूरे डिटेल्स में हमने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट सीक्वेंस इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो इज, ओके। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, बस्टुला, गैस्ट्रुला। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दे रहा है, क्लीवेज दे रहा है, मोरूला दे रहा है, जाइगोट दे रहा है, बस्टुला दे रहा है, गैस्ट्रुला दे रहा है। सी में दे रहा है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, बस्टुला, मोरूला, क्लीवेज, गैस्ट्रुला। डी में दे रहा है क्लीवेज, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, मोरूला, बस्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि ह्यूमन एम्ब्रियो में, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन दे रहा है कि ह्यूमन एम्ब्रियो में इसके प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा करेक्ट सिक्वेंस होगा। जो करेक्ट सिक्वेंस होता है, सबसे पहले ह्यूमन एम्ब्रियो की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है यहाँ पे जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे मोरूला बनता है, ठीक है। मोरूला के बाद क्या होता है, यहाँ पे बस्टुला, बस्टुला होता है। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुला होता है ना। ये आपकी एक सीक्वेंस होती है, करेक्ट सीक्वेंस होती है ह्यूमन एम्ब्रियो के प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 में दे रहा है कि आइडेंटिफाई द सेल्स विच आर द स्टिमुलेटेड बाय द LH यानी ल्यूटेजिंग हॉर्मोन्स इन द एंड सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है सर्टोली सेल, लैडिंग सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और डी में दे रहा है स्पर्म। यहाँ नंबर 12 में दे रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल्स में कौन सा स्टिमुलेट करता है ल्यूटेजिंग हॉर्मोन्स यानी LH हॉर्मोन जो होता है वो कौन सा सिंथेसाइज होगा एंड्रोजन्स में। तो वो कौन सा होता है आपका, ये लैडिंग सेल्स होता है ना, ल्यूटेजिंग हॉर्मोन्स में, एंड्रोजन्स में जो सिंथेसाइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 38, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अ प्रेजेंट इन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लोटाइड में होता है, या फिर न्यूक्लो मोनोसैचुराइड इन ए पॉलीसैचुराइड में होता है, या फिर सी में तरह की एमिनो एसिड इन के पॉलीपेप्टाइड में होता है, या फिर डी में तरह की फैटी एसिड के डाइगल्सराइड में होता है। देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड में होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, 40 में दे रहा है कि द प्रोटीन्स और द सिंथेसाइज एट, यहाँ पे प्रोटीन के इसमें सिंथेसाइज होते हैं सेंट्रोसोम्स में होते हैं, राइबोसोम्स में होते हैं, गॉल्जी बॉडीज में होते हैं, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्रोटीन होते हैं ना वो बेसिकली राइबोसोम्स में यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैमल्स, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ एंड और द प्रेजेंट इन जॉ। बी में दे रहा है कि दे और हैव फोर पेयर ऑफ लिम्स। सी में दे रहा है कि होमोएथेरमस और डी में दे रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें दे रहा है कि कौन सा नॉट ट्रू होगा मैमल्स के अबाउट, यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं होगा, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, दे हैव फोर पेयर ऑफ लिम्ब्स जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, 60 में दे रहा है कि मार द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसके हेलमेंथीज। ऑप्शन दे रहा है दे और द स्यूडोक्लोमेट्स। बी में दे रहा है कि इंक्लूड बोथ पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक फॉर्म। सी में दे रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डी में दे रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि एसके हेलमेंथीज के अबाउट कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में। तो देखो एसके हेलमेंथीज में जो होता है स्यूडोक्लोमेट भी होते हैं, ये पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे ही क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए वो राइट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, रेट ऑफ द डीकम्पोजिशन डिपेंड अपॉन, यहाँ पे दे रहा है कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन में कौन सा डिपेंड होता है, केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डेंट्रियस होता है, या फिर टेम्परेचर्स होते हैं, या फिर सॉइल मॉइस्चर एंड द सॉइल पीएच होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस होता है। देखो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन में जो डिपेंड करते हैं केमिकल कम्पोजिशन के डेंट्रियस में होता है, टेम्परेचर भी होता है, सॉइल मॉइस्चर एंड द सॉइल पीएच भी होता है। तो यहाँ पे सारे ही आंसर राइट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है वो किस में डिपेंड होता है, लाइट एंड टेम्परेचर्स पे होता है, वाटर एंड न्यूट्रेंट पे होता है, या फिर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स में होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो ये बेसिकली ना आपका इको सिस्टम्स का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इको सिस्टम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, तो वो बेसिकली ऑल ऑफ द ये सारे में होते हैं, लाइट एंड टेम्परेचर पे भी होता है, वाटर एंड न्यूट्रेंट पे होता है, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स में भी होता है, तो इन सारे में ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का बेसिकली डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 में दे रहे कि GEAC स्टैंड फॉर्म, GEAC स्टैंड किस में होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो जो GEAC होता है वो बेसिकली क्या होते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग अप्रूवल अप्रूवल कमिटी होते हैं, ठीक है, ओके यानी थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का सी राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द लिंकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकॉज पॉसिबल विथ ओके, ऑप्शन दे रहा डीएनए लाइगेज इंडोन्यूक्लिएजेस, सी में दे रहा है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, और डी में दे रहा है एक्सोन्यूक्लिएज। यहाँ पे दे रहे तो लिंकेज एंटीबायोटिक जो रेसिस्टेंस जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड वेक्टर में कहाँ पे ये बिकॉम पॉसिबल होते हैं, तो ये बेसिकली डीएनए लाइगेज में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट इज दैट द फॉर्मर, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है लैक नोटोकॉर्ड दे रहा है, बी में दे रहा है हैज गर्ल्स हर्ट दे रहा है, सी में दे रहा है कि हैज डॉर्सल हार्ट दे रहा है, और डी में दे रहा है पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट दे रहा है। यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे, यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैम कितना ईजी क्वेश्चन करवा रही है, तो क्वेश्चन इसी लेवल का देता है। देखो यहाँ पे जो CVT का पेपर होता है ना उसमें जो क्वेश्चन होते हैं assertions की conceptions के, यहाँ पे हार्ड लेवल का क्वेश्चन, बट लाइक यूनिवर्सिटी की बात करें और EU की बात करें तो इसी तरीके से बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन देता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही मिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं एक सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन यही टोटल उठा के दे देगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन इसी टाइप के ही होते हैं। डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन दिया गया कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में इनके फॉर्मेट्स के लिए क्या डिफरेंट होता है, तो वो बेसिकली हैज गर्ल्स सेल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में दे रहा है कि फंक्शनल सिस्टम फॉर द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर नॉट सीन इन ओके, ऑप्शन दे रहा है एनालिडा मोलस्क का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा। यहाँ पे दे रहा है कि जो फंक्शनल सिस्टम होते हैं स्पेसिफिक फिजियोलॉजी के फंक्शन में वो किसमें नॉट सीन होते हैं, सीन नहीं होते हैं, तो वो बेसिकली सिलेंट्रेटा में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ई ऑप्शन राइट है। ओके क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम्स, यहाँ पे दे रहा है कि राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम्स में कौन सा फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इट ट्रांसक्रिप्ट्स डीएनए इनटू द एमआरएनए, बी में दे रहा है कि इट ट्रांसलेट एमआरएनए ऑफ द प्रोटीन लॉगी एट इज, सी में दे रहा है कि ट्रांसलेट प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड, डी में दे रहा है कि इट ट्रांसक्रिप्ट्स एमआरएनए इनटू द प्रोटीन। यहाँ पे दे रहा है कि राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स का फंक्शन आपको बता दो, ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए की प्रोटीन लॉगी एट इज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में दे रहा है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द क्रोमेटिन इज, ऑप्शन दे रहा है हिस्टोन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, डी में यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है कि सी ऑप्शंस में दे रहा है एसिड प्रोटीन एंड डीएनए, और डी में दे रहा है कि न्यूक्लियोसोम्स। तो जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमेटिन होते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स में होते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन राइट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMP, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि फुल फॉर्म बताना AMP का, एडेनिन मिनी फॉस्फेट, एल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट, या फिर एल्कोहल मोनोफॉस्फेट, या फिर नॉन ऑफ एबव। यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी जो दिया गया है AMP का फुल फॉर्म नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का। जो AMP का फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है, एडनोसिन मोनो फॉस्फेट होता है, ठीक है,
देखो ये क्या होते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होते हैं ना, वो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट में आरएनए और एनर्जी कैरिंग करते हैं मॉलिक्यूल एटीपी के, और एएमपी जो होते हैं वो मेडअप होते हैं फॉस्फेट ग्रुप के सुगर राइबोज में या फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स के बेस एडनिन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, 26 में दे रहे कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कंटेंट न्यूक्लिक एसिड इज, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एमआरएनए, टीआरएनए, एआरएनए और जेड डीएनए। यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कंटेंट जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं वो जेड डीएनए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, द एम्नियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, ओके ऑप्शन दे रहा है इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, बी में दे रहा है एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, सी में दे रहा है मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, और डी में दे रहा है कि इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे एम्नियन ऑफ मैमेलियन के एम्ब्रियो में जो डिराइव होता है वो इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ई ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, 28 में दे रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी द लाइफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज द अबाउट डे। यहाँ पे दे रहा है कि जो प्रेगनेंसी होती है, एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जब लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसमें अबाउट कितने डे कितने दिन लगते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे 40 डे लगता है। ठीक है, तो कितना होता है, 40 डेज का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इन्वॉल्व द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे एलिसा, ऑटो रेडियोग्राफी, सी में दे रहा है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, और यहाँ पे डी में दे रहा है कि कल्चरिंग ऑफ द लिम्फोसाइट। ओके, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के डायग्नोसिस में एचआईवी के लिए, एच आई वी रोग के लिए यहाँ पे एच आई वी के लिए दे रहा है कि डीएनए ऑफ डायग्नोसिस में एम्प्लीफिकेशन में कौन सा टेक्निक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एच आई वी के लिए। बेसिकली किसके लिए दे रहा है, एच आई वी में दे रहा है, तो वो बेसिकली पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, पीसीआर होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 30 में दे रहा है कि विच इज द रिलेटेड टू द जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से क्या रिलेट कर रहा है, प्लाज्मिड होता है या फिर हेट्रोफाइला होता है या फिर म्यूटेशन होता है या प्लाज्मिड होता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग दे रही है, यानी सीधे सिंपल सी बात है, प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, जेनेटिक्स कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक्स कोड जो होते हैं वो किसमें कंसिस्ट होते हैं, एंडिन एंड गोनिन में या फिर साइटोसिन एंड यूरेसिल में या फिर साइटोसिन या गोनिन में या फिर ऑल ऑफ द। जो जेनेटिक्स कोड होता है देखो, एडनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन होता है ना, यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो जेनेटिक्स कोड होता है वो किसमें कंसिस्ट होता है, तो वो बेसिकली एडनिन एंड गोनिन में भी होता है, साइटोसिन एंड यूरेसिल में भी होता है, साइटोसिन एंड गोनिन में भी होता है, तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 32 में दे रहा है कि विच वॉज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स टू बी कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्रोमोसोम्स फर्स्ट, क्रोमोसोम्स 11, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक्स दे रहा है कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स में कौन सा कंप्लीटली यहाँ पे सीक्वेंस होता है लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स में, तो वो बेसिकली क्रोमोसोम्स फर्स्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 है, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, बेसिक निगेटिवली चार्ज होता है या फिर बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर एसिडिक निगेटिवली चार्ज होता है। देखो हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक, ये बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, 34 में दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर, डीएनए रेप्लिकेशन क्या रिक्वायर करता है, डीएनए पॉलीमरेज ली को करता है या फिर डीएनए लाइगोज को करता है या फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसलोकेज को करता है या फिर डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए लाइगेज को करता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं वो बेसिकली रिक्वायर करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को एंड डीएनए लाइगेज को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, ऑप्शन दे रहा है ब्रांचिंग डिसेंट, बी में दे रहा है एडेप्टिव रेडिएशन, सी में दे रहा है नेचुरल सेलेक्शन और डी में दे रहा है यहाँ पे बोथ ए और सी। यहाँ पे दे रहा है कि की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कौन सा की कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट एंड यहाँ पे नेचुरल सेलेक्शन, इन दोनों का ही होता है। ठीक है,
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से की कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में दे रहा है कि डार्विन एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज थ्रू, यहाँ पे दे रहा है कि डार्विन एक्सप्लेन क्या करेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में, हाइब्रिडाइजेशन में, म्यूटेशन में, या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में, या फिर नेचुरल सेलेक्शन में। तो डार्विन ऑरिजिन ऑफ लाइफ दे रहा है तो वे नेचुरल सेलेक्शन का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऐप एंड मैन इज, यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक से क्वेश्चन से जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है कि ऐप और मैन में कौन सा कनेक्टिंग लिंक होता है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का बी ऑप्शन राइट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ द एडेनिन इन इट, ओके। 20%, 40%, 30%, या फिर 60%। यहाँ पे दे रहा है कि डबल हेलिक्स, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो ये इसका एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा, जो एडेनिन का परसेंटेज होगा वो बेसिकली 30% होगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूक्लियोटाइड आर लिंक बाय, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किस में लिंक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड में, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, या फिर पेप्टिक बॉन्ड में, या फिर आयनिक बॉन्ड में। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बेसिकली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में यहाँ पे लिंक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एक सी टू कन्वर्जन, यहाँ पे दे रहा है कि एक सी टू कन्वर्जन का कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक, स्कैट ग्रुप्स, या फिर नेशनल पार्क। तो जो यहाँ पे एक सीतु कन्वर्जेंस का एग्जांपल है वो बेसिकली सीड बैंक होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का बी ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई, ओके। ऑप्शन दे रहा है डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, पैरासाइट, या फिर डी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन में न्यू ऑर्गेनिक मैटर क्या है, तो वो बेसिकली कंज्यूमर्स का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 में दे रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, आपको दोनों लिस्ट से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट की बात करते हैं, लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रहा है आपका, ए में दे रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दे रहा है, बी में यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम दे रहा है, सी में कैनाल सिस्टम दे रहा है, और डी में फ्लैम सेल दे रहा है। इधर लिस्ट सेकंड की बात करते हैं, एस्ट्रा दे रहा है, अमीबा दे रहा है, स्पॉन्जिला दे रहा है, और टीनिया दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि आपको दोनों लिस्ट के साथ मैच करना है। तो देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस में होता है, अमीबा में होता है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होगा वो आपका क्या है, अमीबा, ठीक है। और यहाँ पे बी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, आप किस में होता है, ये आपका एस्ट्रिया में होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, कैनाल सिस्टम। थर्ड क्या है, कैनाल सिस्टम। तो ये बेसिकली सिंपल सा है कि कैनाल सिस्टम है, तो ये आपका स्पॉन्जिला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फ्लैम सेल दिया है, तो फ्लैम सेल क्या होता है, फ्लैम सेल्स जो होते हैं वो आपका टीनिया में, यानी फाइलम यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथीज का है ना। तो ये आपका क्या हो गया, टीनिया हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का क्या हो रहा है, फर्स्ट का बी हो रहा है, फर्स्ट का यहाँ पे ए का सेकंड हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी बी का फर्स्ट हो रहा है, कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला, और फ्लैम सेल यहाँ पे टीनिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच अमॉन्ग दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्वेटिक मैमल्स, यहाँ पे दे रहा है कि एक्वेटिक मैमल्स में कौन सा कॉम्बिनेशन जो होगा वो करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट में सील डॉल्फिन, और बी में दे रहा है डॉल्फिन सील ट्राइगॉन, सी में दे रहा है वेल डॉल्फिन और सील, और डी में दे रहा है ट्राइगॉन वेल एंड सील। यहाँ पे एक्वेटिक मैमल्स के अकॉर्डिंग जो करेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो वेल का होता है, डॉल्फिन होती है, और सील होता है, तीनों ही होते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में दे रहा है कि एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट द हेमीकॉर्ड शेयर विद द कॉर्डेट्स इन, ओके। ऑप्शन दे रहा है एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बी में दे रहा है कि वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सी में दे रहा है फेरेंस विद द गैलसेट, और डी में दे रहा है फेरेंस विदाउट द गैलसेट। जो यहां पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है हेमीकॉर्डेट्स जो शेयर करता है कॉर्डेट के लिए, वो बेसिकली यहां पे फेरेंस फैंग्स विद द गैलसेट
सेट का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 पे, ये बायोस्टैटिक के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे तेरा 45 में कि जो स्टैटिक्स होते हैं मोस्ट कॉमनली किस में यूज होता है, जो यहाँ पे स्टैटिक जो होता है वो कॉमनली यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो यहाँ पे दे रहा है कि स्टैटिक्स जो है वो एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे दे रहा है कि स्टैटिक किस में एस्टिमेट होते हैं, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में या फिर सोशल साइंस में। तो जो स्टैटिक्स इन द एस्टिमेट होते हैं प्रोबेबिलिटीज में, वो साइंस में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 46 का ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है, द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पर्म इज टू। ओके, ऑप्शन दे रहा है कंट्रैक्ट, कंट्रोल द मोमेंट ऑफ स्पर्म, बी में दे रहा है प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोमेंट ऑफ स्पर्म, सी में दे रहा है प्रोवाइड एनर्जी टू द न्यूक्लियस, और यहाँ पे डी में दे रहा है कि प्रोवाइड सिक्रीशन रिक्वायर्ड टू द पेटिंग इन टू द ओवम। यहाँ पे दे रहा है कि जो कौन सा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के स्पर्म में है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड एनर्जी होती है जो कि मोमेंट ऑफ स्पर्म का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 में दे रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स अकर इन। ऑप्शन दे रहा है फर्टिलाइजेशन पोस्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सी में दे रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, और डी में दे रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस। जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में जो यहाँ पे स्टैंड होते हैं ट्रांसफर ऑफ, जिसमें गैमेट अकर होता है, वो बेसिकली यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है, कर्व्स शुड बिगिन एट द एंड एट द वेस्ट लाइन। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि वेस्ट लाइन के एट एंड में कौन सा यहाँ पे कर्व होगा जो कि शुड बिगिन होता है, तो वो बेसिकली हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो 50 में दे रहा है कि वेरिएंस इन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे वेरिएंस किसका स्क्वायर है, रेंज का, कॉर्पोरल डेविएशन का, या फिर मीन डेविएशन का, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, 51 में यहाँ पे दे रहा है कि डीकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे दे रहा है कि डीकम्पोजर्स में यहाँ पे लाइक फंजाई और बैक्टीरिया में क्या, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, स्पैरोट्रॉफ है, या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो यहाँ पे दे रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको आंसर को चूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, डी कम्पोजर लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर। ओके, ऑप्शन दे रहा है ऑटोट्रॉफ, बी में दे रहा है हेटरोट्रॉफ, स्पैरोट्रॉफ, एंड डी में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कीमो ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे दे रहा है कि डी कम्पोजर्स जो होते हैं वो लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया में क्या होता है, वो दे रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन कौन सा होता है फंजाई और बैक्टीरिया में डीकम्पोजिशन, तो वो बेसिकली कौन सा होता है, यहाँ पे आपका हेटरोट्रॉफ भी होता है और यहाँ पे स्पैरोट्रॉफ भी होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड राइट है। ओके, तो सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, 52 में दे रहा है कि पिरामिड ऑफ द नंबर्स ऑफ इज, यहाँ पे पिरामिड का नंबर क्या है, ऑलवेज अपराइट होता है या ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, या फिर यहाँ पे आइदर अपराइट एंड और इन्वर्टेड होता है, इधर अपराइट एंड या फिर नॉट इन्वर्टेड होता है। तो वो बेसिकली जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं वो आइदर अपराइट और द इन्वर्टेड होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नंबर 53 है, डिक्रीज इन द वन वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द डिक्रीज इन द अदर वेरिएबल्स इज। ओके, ऑप्शन दे रहा है मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल कोरिलेशन, निगेटिव स्टैंडर्ड निगेटिव कोरिलेशन, और डी में दे रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन। दे रहा है कि वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस में जो डिक्रीज करता है अदर वेरिएबल्स में, तो क्या डिक्रीज होगा वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस में, तो वो बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 54 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे दे रहा है कि एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में कौन सा नहीं है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो वो बेसिकली नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, जनरली ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द ट्रांसक्रिप्ट दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड। ओके, ऑप्शन दे रहा है ए स्ट्रैंड, बी स्ट्रैंड, सिंस स्ट्रैंड, और डी में दे रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि जनरली कौन सा ओनली वन स्ट्रैंड जो होगा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट में स्ट्रैंड होता है वो कॉल्ड होता है, तो वो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, 56 है, ट्रांसक्रिप्शन रिफर टू द, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो क्या रिफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक्स कोड ऑफ द और सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इनटू द आरएनए, बी में दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन आरएनए,
और सी में देखिए फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, और डी में देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ द आरएनए इन द सेल फ्री सिस्टम। ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं वो बेसिकली रिफर करते हैं ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक्स कोड को और यहाँ पे, या फिर सिक्वेंस ऑफ डीएनए एंड इनटू द आरएनए को, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द प्यूरिन पेयर। यहाँ पे दे रहा है कि प्यूरिन पेयर में कौन सा फॉलोइंग पेयर होगा, यूरेसिल या गोनिन, साइटोसिन या थाइमिन, या फिर एडनिन या गोनिन, या फिर एडनिन या थाइमिन। तो वो बेसिकली एडनिन और गोनिन जो होता है वो प्यूरिन पेयर होता है। ओके, प्यूरिन पेयर होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 57 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में दे रहा है कि न्यूक्लियोटाइड आर द लिंक बाय, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किस में लिंक्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, या पैप्टिक बॉन्ड में, या फिर आयनिक बॉन्ड में। तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। ये क्वेश्चन एक बार इसी वीडियो में फिर से डिस्कस हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, एक बार ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है, हिस्टोन्स और रिच इज, यहाँ पे हिस्टोन जो होते हैं वो किस में रिच इन होते हैं, एलेलिन एंड ग्लाइसिन में, या लाइसिन या फिर अर्जिनिन में, या फिर हिस्टाडिन या फिर सैरिन में, या फिर साइटोसिन साइटिनिन या फिर ट्रायसिन में। तो वो बेसिकली लाइसिन या फिर अर्जिनिन जो होता है उसमें हिस्टोन जो होते हैं वो रिचिन होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन राइट है। नंबर 60 है, चारग्राफ रूल और द एप्लीकेबल टू, चारग्राफ रूल जो है वो किस में एप्लीकेबल होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में, या फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एन आरएनए में, या फिर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में। तो जो चारग्राफ रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है, टीलोमियर्स, टीलोमियर्स क्या है, इनिशिएट यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज, हेल्प क्रोमेटाइड बाय द मूव टुवर्ड पोल्स, या फिर दे रहा है कि सील्स एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, और डी में आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो टीलोमर्स होते हैं वो बेसिकली सील एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 का सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में दे रहा है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द क्रोमेटिन इज, स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्रोमेटिन में क्या है, हिस्टोन है, या न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या फिर एसी प्रोटीन एंड डीएनए, या फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स है। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ क्रोमेटीन होते हैं वो न्यूक्लियोसोम्स होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको मार्क करना है। ऑप्शन दे रहा है स्पॉन्जेस और द रेडली सिमेट्रिकल, बी में दे रहा है एंडोडर्म इज द एन एम्ब्रियोनिक लेयर, सी में दे रहा है फेसियोला हैव डॉट्स ऑफ वेंट्रली फ्रंटेड बॉडी, और डी में दे रहा है पॉलिप इज द सेंसाइल फ्रॉम द नीडेरियन। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है स्पॉन्जेस और द रेडियली सिमेट्रिकल, ये नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 की बात करते हैं। 64 में दे रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एसके हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज के करेक्ट सीक्वेंस को आपको बताना है। दे और द स्यूडोक्लोमेट होगा, इंक्लूड बहुत पैरासिटिक या नॉन पैरासिटिक फॉर्म में होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर यहाँ पे दे रहा है कि ऑल ऑफ द एबव होगा। तो ये भी क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, तो ये आप देख लेना, इसका राइट होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, यहाँ पे 64 का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे रेडी करते टाइम मिस्टेक हो गया, तो इसका आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट यूज्ड इन द आईबीएफ। यहाँ पे दे रहा है कि आईबीएफ में कौन सा यहाँ पे यूज्ड होगा, उस इवेंट्स को आपको बताना है, करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। इम्प्लांटेशंस, कलेक्शंस ऑफ द ओसाइट एंड स्पर्म, सी में स्टिमुलेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, और डी में दे कि इनक्यूबेशन ऑफ द ओसाइट एंड स्पर्म, और डी में ई ऑप्शन में दे रहा है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे क्या रहा है आपका, सबसे पहले दे रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताना आईबीएफ का। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, सबसे पहले जो करेक्ट सीक्वेंस में आता है वो स्टिमुलेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल का होगा। ठीक है, फॉलिकल्स का होता है, उसके बाद क्या होता है, इसकी जो इवेंट होता है उसमें बेसिकली ये कलेक्शंस ऑफ ओसाइट्स एंड स्पर्म का होता है, स्पर्म का होता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इसमें, सॉरी,
यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर बाद में होता है, पहले क्या होता है, इनक्यूबेशन होता है, इनक्यूबेशंस ऑफ ओसाइट एंड स्पर्म होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशंस होता है, इम्प्लांटेशंस होता है, ओके। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है आईवीएफ में जो इवेंट यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 में दे रहा है कि द कंपाउंड डज नॉट कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप इज, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कंपाउंड होगा जो कि डज नॉट यहाँ पे कंटेन होता है, फॉस्फेट ग्रुप में कंटेन नहीं होता है। तो जो कंटेन नहीं होता है वो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 68 का बी राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग होगा, एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन या फिर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबम, जो न्यूक्लियोटाइड के प्यूरीन में या फिर फॉलोइंग होगा वो बेसिकली एडेनिन होगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है, फॉस्फेट ग्रुप इन द अटैच टू द विच कार्बन ऑफ द पेंटोज सुगर, यहाँ पे दे रहे कि पेंटोज सुगर में कितने कार्बन यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप में अटैच होते हैं, तो वो यहाँ पे फाइव कार्बन जो होते हैं वो अटैच होते हैं, तो यहाँ पे C5 हो जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 है, कैप लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड, ऑप्शन दे रहा है नेक, टेल, हेड एंड एक्रोसोम, यहाँ पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स में कवर करता है एंटीरियर के पोर्शंस ऑफ स्पर्म में जो कॉल्ड होता है वो बेसिकली हेड होता है, ठीक है, यहाँ पे सर सबसे पहले होता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा, यहाँ पे दे रहा है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है इसका फीचर, पैरापोडिया नहीं होता है, ज्वाइंट अपेंडेंस नहीं होता है, या फिर चिटिनस एंडोस्केलेटन नहीं होता, या फिर यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो फाइलम ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट नहीं होता है वो चिटिनस यहाँ पे इसको स्केलेटन होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का सी ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 है, मोस्ट अबाउंडेड प्रोटीन इज फाउंड इन, मोस्ट अबाउंडेड जो प्रोटीन होते हैं वो किस में फाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में, लीवर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्रेन में, तो जो मोस्ट अबाउंडेड प्रोटीन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे फाउंड होते हैं, ओके। सो 77 का ई ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रोटीन दैट हेल्प इन टू द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ऑप्शन दे रहा है एंजाइम, एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स और डी में दे रहा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन जो हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग टेबल्स के रेट ऑफ केमिकल्स रिएक्शन के बॉडी में, वो बेसिकली यहाँ पे एंजाइम्स का होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 78 का ए ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 है, एग्जांपल ऑफ ए डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम का एग्जांपल कौन सा है, लैक्टोज है, पेप्सिन है, कैरेटीन है या फिर कैलोजन है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एग्जांपल होता है वो पेप्सिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, द नंबर्स ऑफ द एमिनो एसिड्स सिंथेसाइज इन द आवर बॉडी, यहाँ पे दे रहा है कि जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं वो आवर बॉडी में क्या कितने में सिंथेसाइज होते हैं, इनका नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना होता है, कितने नंबर्स होते हैं, 20 होते हैं या फिर 30 होते हैं या फिर 40 होते हैं या फिर 10 होते हैं, जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं वो बेसिकली 10 होते हैं जो कि आवर बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 80 का डी ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेबर अकर ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिविजन, ओके, ऑप्शन दे रहा है कोलिंग एंड द कंडेंसेशन क्रोमोटाइट्स, बी में दे रहा है स्पेंडल फाइबर अटैच टू द कीटो कीटनो कोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, सी में दे रहा है मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टूवर्ड अपोजिट पोल्स और डी में दे रहा है द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो यहाँ पे दे रहा है कि जो नेवर अकर्स होते हैं, यहाँ पे नेवर अकर्स नहीं अकर्स होते हैं ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिविजन्स में, वो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है, यही जो होते हैं माइटोटिक सेल डिविजन्स में नेवर अकर होते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है, रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, यहाँ पे दे रहा है कि मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, फोर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड, बी में दे रहा है कि इन द मियोसिस देर आर द टू स्टेज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, सी में दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ द मियोसिस सेकेंड, और डी में दे रहा है कि द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस एंड द रिकम्बिनेशन क्रोमोसोम्स अकर द ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि रिगार्डिंग मियोसिस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, तो जो यहाँ पे रिगार्डिंग इनकरेक्ट होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं वो
अकर्स होते हैं यहाँ पे एस फेज में और मियोसिस में, तो ये बेसिकली सिंपली ये आंसर यहाँ पे गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन इज ओके। ऑप्शन दे रहा है मलेरिया, टाइफाइड, कॉस्कोर एंड नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे दे रहा है कि एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन में कौन सा रिजल्ट जो होगा वो एक्सट्रीमली यहाँ पे प्रोटीन में होता है, मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है या फिर कॉस्कोर होता है, तो वो कॉविस्कोर होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 83 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, ए ब्लॉड इन यूरिन और द स्टूल कैन बी कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉर्मिंग विटामिन। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि ब्लॉड इन यूरिन में या फिर स्टूल कैन बी कॉज के डिफिशियंसी में कौन सा विटामिन होगा, तो वो बेसिकली विटामिन के होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 84 का ई ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हेन डू द क्रोमोसोम्स पेयर ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट। ऑप्शन दे रहा है लैप्लोटीन, जायगोटीन, पैक्टीन या फिर डायप्लोटीन। जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट में वो जायगोटीन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 85 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द केजमेटा। ओके, यहाँ पे दे रहा है केजमेटा का कौन सा फॉर्मेशन का रिजल्ट है। ऑप्शन दे रहा है एक्सचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बी में दे रहा है कि एक्सचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ द अनपेयर्ड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सी में दे रहा है डुप्लीकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और डी में दे रहा है कि लॉस ऑफ पार्ट ऑफ द अनपेयर्ड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो केजमेटा का फॉर्मेशन में होता है रिजल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉर्मिंग विटामिन कंटेन मेटल एटम्स। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है रिबोफ्लाविन, विटामिन बी ट्वेल्व, सी में दे रहा है विटामिन ए और डी में दे रहा है कि विटामिन B6। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि जो मेटल एटम की कंटेंट में जो विटामिन, यहाँ पे कौन सा विटामिन फॉर्मिंग होता है, विटामिन B12 होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 87 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉर्मिंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा पेयर है जो नॉट करेक्टली मैच होता है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B2 प्लेग्रा, सी में विटामिन B2 पेस्किस एनीमिया और डी में कि विटामिन B6 यानी बेरी। जो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं होता पेयर वो बेसिकली यहाँ पे सी का, विटामिन B2 का ही यहाँ पे पेस्किस एनीमिया का। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट पर्टिकुलर एंटीबॉडी कॉज ए मेन इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ऑप्शन दे रहा है IgG, IgM, IgA, IgE। ओके, वहाँ पे दे रहा है कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी में कौन सा मेन इम्यून रिस्पॉन्स करता है, तो बेसिकली IgM होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ पे बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट प्रेजेंट इन द टीयर्स। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा नॉट प्रेजेंट होता है टीयर्स में, IgA होता है या फिर IgE होता है या फिर लैक्टोफेरिन होता है या फिर लाइसोजाइम होता है। तो जो यहाँ पे टीयर्स में नॉट प्रेजेंट होते हैं, जो इनका सबस्टांस प्रेजेंट नहीं होता है, वो IgE का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर द नॉर्मली मेड इन द किडनीज। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी विटामिन होगी जो कि नॉर्मली मेड इन होती है किडनीज में, तो वो बेसिकली विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन सी भी नहीं होता है, विटामिन ई भी नहीं होता है, विटामिन ए भी नहीं होता है, विटामिन डी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मिंग डज नॉट कैरेक्टराइज एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, यहां पे दे रहा है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का कौन सा कैरेक्टर जो डज नॉट यहां पे नहीं है, इम्यूनोजेनिक मेमोरी, नॉन स्पेसिफिक एंटीजेंस, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन और डाइवर्सिटी। जो नॉन यहाँ पे डज नॉट कैरेक्टर है एडेप्टिव यूनिटी का, वो नॉन स्पेसिफिक एंटीजेंस होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 92 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है, द प्रोसेस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंस नोड्यूल्स अकर्स इन द अकर एट विच द सब स्टेज ऑफ द प्रोपेज फर्स्ट इन द मियोसिस। ओके, ऑप्शन दे रहा है डाइकाइनेसिस, जैगोटीन, पैक्टीन या फिर डायप्लोटीन। जो प्रोसेस ऑफ एप्रियंस में रिकम्बिनेशंस में नॉडल्स में जो अकर होते हैं सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस में, वो बेसिकली यहाँ पे कौन सा होता है, पैक्टीन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 93 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94 में दे रहा है कि अमॉन्ग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ द DNA टेक प्लेस इन G2 फेज, एम फेज, एस फेज, G1 फेज। जो अमॉन्ग यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशंस ऑफ DNA में टैग प्लस होते हैं वो बेसिकली एस फेज होते हैं। कौन सा होता है, एस फेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉर्मिंग सेल कंटेन एन IgE रिसेप्टर विद द हाई एफिनिटी। ऑप्शन दे रहा है मस्ट सेल, डेंड्रेटिक सेल्स,
इस्टोफिल्स या फिर बेसोफिल्स, जो यहाँ पे सेल कंटेन करता है आईजी के रिसेप्टर्स में हाई एफिनिटी में, वो बेसिकली बेसोफिल्स का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 95 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉर्मिंग सेल्स इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ओके, ऑप्शन दे रहा है इसिनोफिल्स, मर्ज सेल, बेसोफिल्स, मैक्रोफेज। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा सेल्स होता है जो कि नॉट ए पार्ट, इसका पार्ट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का, जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का पार्ट नहीं होता सेल्स में, तो वो बेसिकली मैक्रोफेज होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 96 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द ऑर्थोपोडा इज, यहाँ पे साइलेंट फीचर कौन सा है ऑर्थोपोडा का। ऑप्शन दे रहा है एक्वाटिक एंड फ्री लिविंग, चिटिनस, स्कोस्केलेटन, जॉइंट अपेंडिक्स, रेडुला, या फिर नॉन ऑफ दिस। जो साइलेंट फीचर होता है ऑर्थोपोडा का, वो बेसिकली चिटिनस, स्कोस्केलेटन एंड जॉइंट अपेंडिक्स का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 97 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98 है, द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग द फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज। ऑप्शन दे रहा है एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या फिर कॉडेटा। जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, जो फाइलम के एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग जो फाइलम सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज का फाइलम है, वो मोलस्का होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 98 का सी ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 है, इन विच ऑफ द फॉर्मिंग रेप्टाइल्स फोर चैम्बर्ड हार्ट इन द प्रेजेंट। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो रेप्टाइल्स है इसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लिजार्ड में, स्नेक है, स्कॉर्पियन में या फिर क्रोकोडाइल्स में। जो फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है किसमें होता है, क्रोकोडाइल्स का फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, 100 में दे रहा है ये दोनों क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, 100% में से यहाँ पे मैं 95% बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन हर बार एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आ ही सकता है। तो इस बात का आप इस दोनों क्वेश्चन का देखिएगा, बेसिक के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को भूल जाते हैं, उन्हें आप ना तो रिवाइज करते हैं ना ही पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्यूब फिट जो लोकोमेट्री ऑर्गन होता है वो बेसिकली काइनोडर्मेटा का, प्लैटीहेल मेंथीज का भी नहीं होता है, मोलस्क का भी नहीं होता है, ऑर्थोपोडा का नहीं, लेकिन ट्यूब फिट का जो लोकोमेट्री ऑर्गन होता है वो इकाइनोडर्मेटा का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 100 का बी ऑप्शन राइट है। तो इसी के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमएससी जूलॉजी का जो हमने 100 क्वेश्चन के यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कस किया, हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने पूरा डिटेल्स में किसी भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ आंसर बताया। मैं पहले ही मैंने बताया कि सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ, अगर आपको पूरा डिटेल्स में मैं करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हमने मिक्स किए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन बेसिक के लेवल है, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मिक्स किया पूरे होल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो। ओके, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को बनाना आप लोग को लगता है कि बहुत ही इजी है, बट इजी नहीं है। 100 क्वेश्चंस को बनाना और उसे फिर से एक एक क्वेश्चन को देखना कि कौन से सिलेबस से, कौन से यूनिट से क्वेश्चन है, तो उसको लगा के सारे क्वेश्चन को बना के 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ईजी नहीं है। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।